5.2 क्वेश्चन नंबर 15 एन के किसी मान के लिए दो समांतर श्रेणी हैं 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के एन वे पद बराबर होंगे ए वन बराबर 63, ए टू बराबर 65, ए थ्री बराबर 67, डी बराबर ए टू माइनस ए वन 65 - 63 = 2, डी का मान 2, ए बराबर 1, ए टू बराबर 10, ए थ्री बराबर 17, ए वन बराबर 3, ए टू बराबर 10, ए थ्री बराबर 17, डी बराबर ए टू माइनस ए वन 10 - 3 = 7, डी बराबर 7, ए एन ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी बराबर ए एन प्लस में एन माइनस ए गुणा डी, एक का मान है 63 प्लस एन माइनस एक गुणा 2, एक का मान है 3 प्लस एन माइनस एक गुणा डी का मान 7, 63 प्लस 2 एन माइनस 2 3 प्लस में 7 एन माइनस 7 2 एन प्लस में 61, 63 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, 63 में से 2 जाएंगे तो 61 बचेगा, 2 एन प्लस में 61, 7 एन माइनस का 4, 2 एन और प्लस में 61 बराबर है 7 एन माइनस का 4, एन एन की संख्या एक तरफ, 2 एन माइनस 7 एन बराबर माइनस का 4 माइनस का 61, माइनस 5 एन बराबर माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल, एन बराबर 65/5, 13 × 5 = 65, एन का मान आएगा 13, एन का मान होगा 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 का, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद ए थ्री बराबर 16 और सातवां पद से पांचवां पद 12 अधिक है, सातवां पद से, कहने का मतलब ये है ए थ्री बराबर ए प्लस में 2d बराबर है 16, ए सात बराबर है ए प्लस में 6d प्लस, इससे पांचवा पद अधिक है तो ए पाँच बराबर है ए प्लस में 4d, ए प्लस में 4d प्लस में 12 अधिक है, प्लस में 12 ए प्लस 2d बराबर 16, एसी ए कट जाएगा, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर 12, d बराबर 12/2, 6, d का मान आएगा 6, d का मान समीकरण एक में रखने पर d का मान समीकरण एक में रखने पर a प्लस 2 × 6 = 16, a बराबर 16 - 12, एक का मान होगा 4,
ए का मान 4 है, ए पी आएगी, ए पी 4, ए 1 बराबर 4 है, ए 2 बराबर 10, 16, इस प्रकार से ए पी होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है ए पी 3 7 8, 3 ए पी है, 3 3 8 13 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद पर में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। ए बराबर 3, ए 2 बराबर 8, ए 3 बराबर 13, डी बराबर ए 2 माइनस ए 1, 8 माइनस 3 बराबर 5, डी का मान होगा 5, अंतिम पद एल, एल 253, एल होगा 253, एल का मान होगा 253, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, ए एन 253, ए का मान 3 प्लस एन माइनस ए गुणा डी का मान 5, इसको इधर ले आओ, 253 माइनस 3 एन माइनस 1 गुणा 5, 250 एन माइनस 1 गुणा 5, एन माइनस 1 5 बराबर 250, एन माइनस 1 बराबर 250 बटे 5, 5 5 25, 50 एन बराबर 50 प्लस में 1, एन बराबर होगा 51। हमें पद काढ़ना, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए। एपी के अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, एपी के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 51 माइनस 20 प्लस में 1, 32वां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, ए का मान 3, 32 माइनस 1 गुणा 5, 3 प्लस 31 गुणा 5, 3 प्लस 3 प्लस में 155 बराबर है 158। लाइक करो, शेयर करो।